तो बच्चों ग्रुप 13 में अब हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरान। ठीक, तो पहला कंपाउंड इसमें है बोरेक्स, इसको हम लोग टिंकल या सुहागा बोलते हैं। ये इसका फार्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ठीक, एक्चुअली होता क्या है, अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें टेट्रा न्यूक्लियर यूनिट पाई जाती है इस तरीके की, इसमें चार बोरान लगे होते हैं, उसमें ऑक्सीजन भरा जुड़े होते हैं और चार OH ग्रुप होते हैं। ठीक, .8H2O, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, ये मैंने यहाँ इसका स्ट्रक्चर बना रखा है, चार बोरान देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, ये लगे हुए चार OH लगे हुए यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, और ये ऑक्सीजन ब्रिज ऑक्सीजन है और बीच में ऑक्सीजन है। अब इस वाले बोरान ने देखो चार बांड बना रखे हैं। ठीक, इस वाले बोरान ने चार बांड बना रखे हैं, एक्चुअली ये वाला OH, ये वाला OH, इसके साथ कोऑर्डिनेट बांड बनाया होगा। तो यहाँ पर इस बोरान पर आ गया निगेटिव चार्ज, कैसा आ गया बोलो, निगेटिव चार्ज। ठीक, उसी निगेटिव चार्ज को मेंटेन करने के लिए आपके NO2 Na लगे होते हैं, कितने Na लगे होते हैं, 2 Na। ठीक, 2 Na इसमें लगे होते हैं उसी चार्ज को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसको बनाते कैसे हैं, पहला मेथड है बाय न्यूट्रलाइजिंग आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड क्या होता है, H3BO3। H3BO3 को हम लोग बोलते हैं आर्थोबोरिक एसिड। आर्थोबोरिक एसिड को हम लोग न्यूट्रलाइज करें, जैसे न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने Na2CO3 ले लिया, इससे न्यूट्रलाइज किया इसको तो हमें बोरेक्स मिल जाएगा, Na2B4O7 और H2O+CO2 गैस निकलती है। तो एक तो मेथड ये हो गया बोरेक्स बनाने का। दूसरा मेथड क्या है, बाय बॉइलिंग कोलेमनाइट विद Na2CO3। कोलेमनाइट ये होता है Ca2B6O11। ठीक, ये आपका बोरान का एक और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलेमनाइट। ठीक, तो कोलेमनाइट को भी अगर हम लोग बॉयल करें सोडियम कार्बोनेट के साथ तो हमें बोरेक्स मिल जाता है। ठीक, अच्छा इसमें साथ ही साथ सोडियम मेटाबोरेट ये मिलता है। ये कहाँ मिलता है, ये मिलता है हमें सोल्यूशन में, जो लिक्विड वाला पार्ट बच जाता है जिसको बोलते हम लोग मदर लिक्वर, उसमें हमें क्या मिलता है, सोडियम मेटाबोरेट। क्या मिलता है बेटा, सोडियम मेटाबोरेट। अच्छा ये मदर लिक्वर है, मदर लिक्वर मतलब, मदर मतलब क्या होता है, माँ, यानी जो लिक्विड बच गया उसको बोलते हैं मदर लिक्विड। उसमें क्या होता है, सोडियम मेटाबोरेट। अब ये सोडियम मेटाबोरेट में फिर से CO2 पास कर दो, इस मदर लिक्विड को छान को अलग कर लो, इसको अलग कर दो, छान के अलग करने के बाद इसमें पास कर दो CO2 गैस। तो CO2 गैस पास करोगे तो फिर आपको सुहागा यानी कि बोरेक्स मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग, ये दो मेथड हैं जिसको हम लोग बना सकते हैं। NCERT में आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं दे रखा है। ठीक, लेकिन मैं आपको, मैंने आपके कहा था मेडिकल वाले बच्चों के लिए NCERT से थोड़ा हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें भी पढ़ेंगे। ठीक, IIT वाले बैच के लिए तो हम लोग अलग से बाद में वीडियो बनाएंगे, उसमें तो बहुत डिटेल में जाएंगे हम लोग। तो ये आपका इस तरीके से हम लोग सुहागा यानी बोरेक्स को बना सकते हैं। ठीक, चलो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसकी मैंने लिख दी हैं। जैसे वाटर के साथ अगर इसकी रिएक्शन कराएं, वाटर में अगर डिजॉल्व करें तो ये अल्कलाइन सॉल्यूशन देता है। क्या बनता है इसमें, NaOH। NaOH बनने की वजह से इसमें H3BO3 भी बनता है, बोरिक एसिड भी बनता है, लेकिन क्योंकि बेस हमारा स्ट्रांग है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अल्कलाइन। H3BO3 एक एसिड होता है लेकिन बहुत वीक एसिड होता है। ठीक, तो जो बेस है वो कैसा बन रहा है, बहुत स्ट्रांग बेस बन रहा है, तो जो स्ट्रांग बेस बनता है ये हमारा सॉल्यूशन अल्कलाइन बना देता है। ठीक, उसके अलावा जो साल्ट होता है, बोरेक्स होता है, इसको अगर हम लोग क्रिस्टलाइज करें, ठीक, तो आपका वो इस फॉर्म में भी कभी कभी क्रिस्टलाइज होता है, Na2B4O7.5H2O, इसको बोलते हम लोग ज्वेलर्स साल्ट। ठीक, ज्वेलर्स बोरेक्स, तो इसका नाम याद रखना, पूछ सकते हैं आपसे व्हाट इज ज्वेलर्स बोरेक्स। ठीक, अगर इसको हम लोग हीट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हीट करें, पहले अगर हीट करते तो इसके सारे वाटर निकल जाते हैं, हमको ये मिलता है बोरेक्स, एनहाइड्रस बोरेक्स मिला। उसको फर्दर हीट करते हैं तो सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरिक एनहाइड्राइड बनता है। क्या बनता है, बोरिक एनहाइड्राइड यानी B2O3। ठीक, देखो बोरिक एनहाइड्राइड इसको इसलिए बोलते हैं, अगर इस बोरिक एनहाइड्राइड को वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आपको H3BO3 मिल जाएगा, दो मॉलिक्यूल साफ H3BO3 मिल जाएंगे। ठीक, एनहाइड्राइड जो होता है आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब किसी एनहाइड्राइड को आप हाइड्रोलाइज करते हो, रिएक्शन विद वाटर करते हो, तो आपको दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड मिलते हैं, हो सकता है दोनों एसिड सेम हो या अलग अलग हो सकते हैं। तो एनहाइड्राइड जो बोरिक एनहाइड्राइड है, इसको अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको दो मॉलिक्यूल्स आप मिलेंगे H3BO3 बोरिक एसिड। ठीक, अब क्या होता है, ये जो बोरिक
मेटाबोरेट बनता है, ये ट्रांसपेरेंट बीड होती है, एक ग्लासी ग्लास जैसी, जैसे बीड जैसी दिखती है, ठीक, चमकती हुई, ठीक। तो इस बीड को हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग बहुत सारे मेटल को, उनके साल्ट को या मेटल को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो क्या करते हैं, मान लो आपको कोई मेटल डिटेक्ट करना है, उसका आपने कोई साल्ट ले लिया, मान लो कोबाल्ट करना है, कोबाल्ट ऑक्साइड ले लिया, CO, एक लूप लेते हैं, लूप में प्लेटिनम को लूप लेते हैं, उसमें आपने क्या किया, बोरेक्स ले लिया, बोरेक्स ले लेते हैं, ठीक, और थोड़ा सा ये ले लेते हैं उसमें लूप में कोबाल्ट ऑक्साइड, फिर इसको हीट करते हैं, जब हीट करेंगे तो हमें ब्लू कलर की बीड बनती है, और उसका फार्मूला ये होता है CuBO2 का होल ट्वाइस। तो ब्लू कलर की बीड अगर बन रही है तो इसका मतलब इसमें हमारा कोबाल्ट मौजूद है, ठीक। तो इस जो बीड टेस्ट होता है, बीड टेस्ट के से हम लोग किसी एक पर्टिकुलर मेटल की पहचान कर सकते हैं कि गिवन साल्ट में, जैसे हमने ये साल्ट दे दिया, इसमें कोबाल्ट है कि कौन सा मेटल है, तो हम लोग बीड टेस्ट की हेल्प से इसका पता लगा सकते हैं। ऐसे आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, उसको भी आप हीट करो बोरेक्स के साथ प्लेटिनम के लूप में लेके, तो आपका इसमें ये बनता है CuBO2 का होल ट्वाइस, इसकी रेड कलर होता है, इस बीड का रेड कलर होता है, तो रेड कलर की बीड बनती है किसके साथ, कॉपर के साथ। तो हम लोग बता सकते हैं कि अगर बोरेक्स के साथ रेड कलर की बीड बन रही है तो हमारा कॉपर होगा, ब्लू कलर की बीड बन रही है तो कोबाल्ट होगा। ऐसे हम लोग डिफरेंट मेटल को डिटेक्ट करने के लिए ये वाला टेस्ट यूज करते हैं, जिसको बोला जाता है बोरेक्स बीड टेस्ट। अगर बोरेक्स में हम लोग HCl मिला दें तो ये हमें H3BO3 यानी बोरिक एसिड दे देता है प्लस NaCl, ठीक। तो इस तरीके से ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों बोरेक्स की यूजेस देख लेते हैं हम लोग, क्या यूज होते हैं। पहला यूज है यूज फ्लैक्स इन वेल्डिंग एंड ब्राजिंग मेटल्स, ठीक। क्या होता है इसमें, जो मेटल बना होते हैं उनको हम लोग वेल्डिंग में इसको एक एज ए फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, जो वेल्डिंग हम लोग करते हैं तो वेल्डिंग में इसको हम लोग वहाँ पर इसको हम लोग मिलाते हैं, जो वेल्डिंग मटेरियल होता है उसमें मिलाते हैं, तो जो मेटल को जोड़ने के काम आता है, ठीक। मेटल्स बना होते हैं उनको जोड़ने के काम आता है, ठीक। दूसरा है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ रेजिस्टेंस ग्लास, हीट रेजिस्टेंट ग्लास, ऐसे ग्लास जो बहुत हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकें, उसको बनाने में इसका यूज होता है बोरेक्स का, ठीक। तो उसमें उनको बोरोसिल मार्क, उनके ऊपर जैसे आपने देखा होगा लैब में जाएं तो बोरोसिल मार्क बना रहता है, तो उसमें वो हीट रेजिस्टेंट ग्लास होते हैं, उसमें बोरेक्स का यूज किया जाता है बनाने में। अब जैसे दो ग्लास हैं, जेना एंड पायरेक्स, ये ग्लास होते हैं, ठीक, इनमें बोरिक ऑक्साइड मौजूद होता है, तो बोरिक ऑक्साइड डाल देते हैं या बोरेक्स हम लोग डाल देते हैं, तो उसमें जो भी उस ग्लास हमारे पास बनता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हीट को बर्दाश्त कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा इसको हीट करें तो वो टूटता नहीं, ठीक। तो उसके बनाने में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट यूजेज हो गए, ठीक। चलो अब हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं इसके बाद, बोरिक एसिड। तो बच्चों अगला कंपाउंड है आर्थोबोरिक एसिड, बोरान का अगला कंपाउंड है आर्थोबोरिक एसिड। फार्मूला क्या होता है, H3BO3, या इसको ऐसे लिखते हैं BOH का होल थ्राइस, ठीक। कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, प्रिपरेशन देखते हैं, बाय एसिडिफाइंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स को जो होता है हम लोग जानते हैं, बोरेक्स फार्मूला क्या होता है, Na2B4O7, इसका एक्वस सॉल्यूशन ले लो, वाटर लिखा हुआ है इसका, हमने यहाँ पर इसका मतलब एक्वस सॉल्यूशन लिया। इसके साथ जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो नहीं लिखते हम लोग, क्योंकि उनका रिएक्शन में कोई रोल नहीं रहता है, ठीक। एसिडिक सॉल्यूशन लिया, इसको हमने एसिडिफाई किया और हमें क्या मिल गया, बोरिक एसिड मिल गया, साथ में NaCl बन गया, ठीक। उसके अलावा अगर आपके पास बोरान का कोई भी कंपाउंड, जैसे बोरान हाइड्राइड B2H6 या बोरान हैलाइड है, ठीक, उसकी हाइड्रोलिसिस करो, तो बोरान हैलाइड की हाइड्रोलिसिस कर दो, जैसे हमारे पास BF3 है, ठीक, BF3 हमने हाइड्रोलिसिस कर दी, वाटर रिएक्शन करा दिया, तो भी हमारा बोरिक एसिड बन गया, साथ में हमारा ये कॉम्प्लेक्स बनता है BF4 माइनस। ये एच हमने अलग लिखे, चाहे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HBF4, अगर ऐसे लिखेंगे इस तरीके से लिख सकते हैं आप, इस पूरे को मिला के, तब आपका ये चार्ज नहीं आएगा, या आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि एच आयन अलग हो जाते हैं तो इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग एक तो बोरेक्स को एक्वस सॉल्यूशन को एसिडिफाई करके बना सकते हैं, या बोरान का कोई कंपाउंड ले लें उसको हम लोग हाइड्रोलिसिस कर दें तो भी हमें बोरिक एसिड मिल जाएगा। अब अगर हमें कॉमर्शियल लेवल पर बनाना हो लार्ज स्केल पे, तो हमें हमारे पास एक ओर होता है कोलेमनाइट, इस ओर को हम लोग
पीस लेते हैं, पीसने के बाद ये फार्मूला इसका लिखा हुआ कोलेमनाइट का, पीसने के बाद उसमें SO2 गैस पास करते हैं, उसका हार्ट एक्वस सोल्यूशन लेते हैं हम लोग, गर्म एक्वस सोल्यूशन लेंगे उसमें हम लोग पास करेंगे SO2 गैस, तो हमारे पास ये रिएक्शन होती है और हमें यहाँ पर मिल जाता है बोरिक एसिड के क्रिस्टल मिल जाते हैं हमें, ठीक। अब अगर आपने SO2 गैस पास कर दी तो ये जो हमारा ये होता है ये पानी में, ये भी नहीं घुलता पानी में, ठीक। तो क्या करना है, इसको अलग करना है, तो SO2 और गैस पास कर दो, और जब SO2 पास करोगे तो ये जो कंपाउंड बना है ये घुल जाएगा पानी में, ये पानी में घुल के ये बना देगा, ये फर्दर रिएक्शन करेगा SO2 से और ये बना देगा कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फेट, और ये पानी में घुल जाता है, सॉल्युबल होता है, तो पानी में घुल जाएगा तो इसके क्रिस्टल बचेंगे, ठीक। तो इसके क्रिस्टल को छान के अलग कर लो और ये जो भैया चले गए पानी में इनको फेंक दो, ठीक। तो क्या किया हमने, कोलेमनाइट की रिएक्शन कराई SO2 से एक्वस सॉल्यूशन की, हमें बोरिक एसिड क्रिस्टल मिले और साथ में कैल्शियम सल्फेट मिला, कैल्शियम सल्फाइड कह सकते हैं हम लोग, ठीक। उसके बाद कैल्शियम सल्फाइड हमने और SO2 गैस पास की उसी सॉल्यूशन में जिसमें ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, तो ये भैया जो हमारे ये तो पानी में घुल गए और घुलने के बाद ये बना दिए, और घुल गए तो इनको हमने छान के पानी अलग कर दिया और ये क्रिस्टल हमें अलग मिल गए तो हमें बोरिक एसिड मिल जाएगा, ठीक। तो ये तो दो मेथड आपके हो गए बनाने के, NCERT में आपका एक ही दिया हुआ है ये वाला, ठीक। उसके बाद प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हीट का इफेक्ट देखते हैं। अगर हम लोग हीट करें, अगर बोरिक भैया को अगर हम लोग हीट कर दें, पहले 100 डिग्री गर्म करते हैं तो ये मोटा बोरिक एसिड बनाते हैं, मेटा बोरिक एसिड, ठीक। और हीट करें तो ये इस तरीके से डाइमराइज हो जाते हैं, ठीक, इस तरीके से कम्प्लेक्स बना देते हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा हीट कर दें, रेड हॉट कर दें, तो या लगभग 370 डिग्री के ऊपर हीट करते हैं हम लोग, ठीक। कितना टेम्परेचर रखते हैं, 370 डिग्री, या टेम्परेचर नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप उसमें सिर्फ ये याद रखो कि रेड हॉट कर देंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे, 370 केल्विन होता है, सॉरी डिग्री नहीं केल्विन होता है, ठीक। तो रेड हॉट कर देंगे तो ये बोरिक एनहाइड्राइड में भैया हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जो बोरिक एसिड भैया हैं ये पहले मोटा बोरिक एसिड बनाएंगे, उसके बाद ये बोरिक एनहाइड्राइड में फर्दर कन्वर्ट हो जाएंगे अगर इनको फर्दर हीट कर दिया गया, ठीक। अब चलो इसके बाद अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। इसके बाद बोरिक एसिड की अगर हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो ये बहुत वीक एसिड होते हैं, बहुत ही कमज़ोर होते हैं, ठीक, इतने कमज़ोर होते हैं कि इनको लचर पचर बिल्कुल, ठीक। अरे इनके पास प्रोटॉन ही नहीं होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जानते हो क्या बेटा, ये खुद प्रोटॉन देने की क्षमता नहीं रखते, इनके पास HIN नहीं होता है, लेकिन ये वाटर से जब जुड़ते हैं तो ये बनाते हैं BOH का होल 4 और ये HIN निकालते हैं, ये HIN वाटर से निकला, यहाँ से इनने नहीं दिया, नॉर्मली क्या होता है एसिड HIN देता है, तो यहाँ पर HIN वाटर भैया दे रहे हैं, ये भैया नहीं दे रहे HIN, ये वाटर से HIN निकाल ले रहे हैं, ठीक। तो वाटर साथ ये कॉम्प्लेक्स बना देते हैं इस तरीके का, अब ये कॉम्प्लेक्स बनता है और साथ में HIN निकलता है, अच्छा ये HIN चूँकि पानी साथ पानी में HIN फ्री तो रहते नहीं हैं, तो ये पानी जो दूसरा मालिक्यूल पानी को आएगा इसको पकड़ेगा और बस इसको इसके ऊपर आक्रमण किया और ये क्या बना दिया हाइड्रोनियम आयन और ये मिल गया हमें साथ में BOH का होल 4, ठीक। ये आपका कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें 3 नॉर्मल बॉन्ड होंगे अब एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, ठीक भाई। वाटर जो टूटा होगा हमारा, ये वाटर टूटे होंगे, ये वाटर भैया टूटे होंगे, क्या बनाए होंगे इन्होंने H+ और एक OH-। अभी H+ तो आपका यहाँ दिख गया, OH- में क्या करो, इनके साथ एक कोऑर्डिनेट बांध बना लिया, क्योंकि बोरान के आउटर मोसेल में एक पी सबसेल खाली पड़ा होगा, ठीक। तो ये बना लिया BOH का होल 4, इसमें बोरान का हाइब्रिडाइजेशन SP3 हो जाता है, अगर बोरान के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो SP3 है, और ये स्ट्रक्चर हमने बनाया है बोरिक एसिड का, तो बोरिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है भैया ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर है ऐसे, और यहाँ पर जो बोरान भैया को हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा है SP2 है, यहाँ पर बोरान भैया का हाइब्रिडाइजेशन SP2 है और यहाँ पर बोरान भैया हमारे SP3 में चले गए, ठीक। देखो कैसे गए हैं मैं बता दें आपको, जैसे बोरान है, बोरान कॉन्फिगरेशन ये है 1s2 2s2 2p1 ये है, ठीक। इनके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर है अभी, ये हमारा आउटर मेसल है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन सिंगल है हमारे पास ये वाला, बाकी दो पेयर है। अब जब बोरान भैया हमारे एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, अब ये तीनों ऑर्बिटल आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद ये SP2 हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कर दिया बेटा SP2, ठीक। एस को एक ऑर्बिटल जुड़ो, पी के दो जुड़ गए, तो ये बोरान भैया हमारे SP2 हो गए, SP2 हाइब्रिडाइज्ड। अब यहाँ पर तीन OH आके जुड़ गए, तीन OH आए, उन्होंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया और ये बोरिक एसिड बना दिया, ठीक।
तो ये तो नॉर्मल कंपाउंड बोरिक एसिड बन गया, ये हमारा हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अभी एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, इनके पास एक p ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे हैं, अब इनके पास भैया के पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचे बांड बनाने के लिए, तो एक एक OH- वाटर से आता है, तो वाटर जब OH- आएगा तो इसके पास ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका अपना होगा और ये किसी का छीन लाया होगा, ठीक। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में रख के और यहाँ जुड़ जाता है, तब आपका बन जाता है BOH का कोल फोर, मतलब इसको अलग से बनाए हम तो देखो ऐसे होगा, तो BH ये कैसे बने ये तो समझ में आ गया होगा आपको, अगर आपके पास देखो ये BOH का होल थ्राइस, ये बोरिक एसिड भैया है, अब एक OH- आए, अब ये OH- पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये इनके साथ इनके पास एक पी ऑर्बिटल खाली था ना, इनके साथ अपना जो लोन पेयर है वो दे देते हैं और इनके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं BOH का होल थ्राइस, और ये OH भैया इनके साथ जुड़ गए, तो ये वाला जो बाउंड है ये कोऑर्डिनेट बाउंड है बेटा, कौन सा बाउंड है कोऑर्डिनेट बाउंड। अच्छा कोऑर्डिनेट बाउंड में जो लोग इलेक्ट्रॉन दे थे, अब बोल ये इलेक्ट्रॉन दे रहे इनका चार्ज खत्म, इनके ऊपर चार्ज निगेटिव आ जाता है, ठीक। तो इन्हीं को हम लोग शॉर्टकट में BOH का होल फोर और इसके ऊपर एक निगेटिव ये दिखा सकते हैं हम लोग, ठीक। अब इनका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाएगा और बोरान भैया को हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा हमारा sp3, क्योंकि एक जो पी ऑर्बिटल बचो तो वो भी अब हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि OH ने इनको इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए, ठीक। तो समझ में आ गई बात बेटा, तो ये तो हो गया इनका वाटर से कैसे एचायन निकालते हैं, मतलब खुद के पास एचायन नहीं है, वाटर से एचायन निकाल लेते हैं, तो ये इनकी कलाकारी है भैया, ठीक। तो ये कलाकारी इनकी बहुत अच्छी कलाकारी है। अब इनका स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर होता है इनमें, इसमें जो H3BO3 के मॉलिक्यूल भाई भैया जो होते हैं ना, ये पूरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं इसे, अब ये एक हेक्सागोनल टाइप की रिंग बनती है इसे, ऐसे देखो एक रिंग आपको हेक्सागोनल दिख रही होगी, ये भी हेक्सागोनल, अब उतने अच्छे से नहीं बन पाई है, ठीक, ये बन रही है, आप अपनी NCERT में या किसी बुक में देख लेना है डायग्राम। तो इस तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ये लेयर स्ट्रक्चर होता है, एक ऊपर एक लेयर जैसी इनकी रखी होती हैं। तो ये हो गया इनका स्ट्रक्चर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग चलो इसके बाद बोरान हाइड्राइड की बात करते हैं, तो अगला कंपाउंड हम लोग पढ़ेंगे बोरान हाइड्राइड। हाँ बच्चों, तो देखो बोरान का जो अगला कंपाउंड है वो बोरेंस है, ठीक। एक्चुअली बोरान हाइड्राइड जो होते हैं उसको हम लोग बोरेंस बोलते हैं कॉमन भाषा में, तो इसकी दो सीरीज होती है BnHn+4, इसको नीडो बोरेंस बोलते हैं, इसका एग्जांपल B2H6। यहाँ पर N की वैल्यू क्या होगी, N की वैल्यू 2 है, N की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो N की वैल्यू 2 रखें तो H की वैल्यू कितनी है 2+4 6, तो ये हो गया आपका डाई बोरेन, इसका एग्जांपल हो गया। दूसरे सीरीज इसमें होते हैं BnHn+6, ठीक, तो इसको हम लोग आर्केनो बोरेंस बोलते हैं, ये कम स्टेबल होते हैं, इसका एग्जाम्पल हमारे पास B4H10 है, यहाँ पर N की वैल्यू 4 है, यहाँ पे N की वैल्यू देखें तो 4 है, तो N की वैल्यू 4+6 10 हो गया, ठीक। तो दो सीरीज पाई जाती है बोरेन की। अब इसमें डाई बोरेन ही हमें पढ़ना डिटेल में, ठीक। तो डाई बोरेन हम लोग B2H6 बोलते हैं, एक्चुअली क्या होता है बोरेन BH3 बनता है, लेकिन BH3 आपस में डाइमेराइज कर जाता है, BH3 बनता है, इसको हम लोग बोरान ट्राईहाइड्राइड बोलते हैं, तो BH3 के दो मॉलिक्यूल आपस में डाइमेराइज कर जाते हैं तब बनता है डाई बोरेन, ठीक। तो BH3 हमारा डाई बोरेन के फॉर्म में ही पाया जाता है, और क्यों ऐसा होता है ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसका प्रिपरेशन देखें, बनाने का तरीका कैसे बनाते हैं, नंबर एक मैग्नीशियम बोराइड, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम बोराइड, ठीक। तो मैग्नीशियम बोराइड इसमें Mg+ में होगा, बोरान नेगेटिव होगा, इसके साथ जब हम लोग H3PO4 की रिएक्शन कराते हैं मैग्नीशियम बोराइड साथ, तो हमें इसमें मिक्सचर ऑफ बोरेंस मिलता है, ठीक। इसमें कई तरीके के बोरेंस होते हैं, फिर इसको फर्दर हीट कर देते हैं तो हमें B2H6 मिल जाता है। तो एक तरीका तो ये हो गया बाय हीटिंग मैग्नीशियम बोराइड विद H3PO4 यानी फास्फोरिक एसिड, ठीक, तो हमें बोरेंस मिल जाएंगे। दूसरा क्या है बोरान एनहाइड्राइड, ठीक, बोरान एनहाइड्राइड को हम लोग हाइड्रोजन साथ हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एल्युमिनियम हीट करते हैं, तब भी हमें इसमें डाइबोरेन मिल जाता है, तो हमारे डाइबोरेन भैया बन गए, यहाँ से बना सकते हैं लोग। हमें हमारा टारगेट क्या है डाइबोरेन भैया को बनाना है, तो हमारे यहाँ से भी बन गए भैया जी, ठीक। और इसमें साथ में एल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है, Al2O3 हम लोग कह सकते हैं सेपरेट हो जाता है, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया बेटा। इसके बाद देखते हैं अगला मेथड, बोरान हैलाइड ले लें हम लोग, ठीक। बोरान हैलाइड में जैसे BF3 ले लिया,
बोरान फ्लोराइड, ठीक, बी एफ थ्री। तो बी एफ थ्री की रिएक्शन अगर हम लोग करा दें एल आई एल एच फोर से, किससे करा दें एल आई एल एच फोर, ये मेथड आपकी एन सी आर टी में दे रखा है, ठीक। तो जब हम लोग एल आई एल एच फोर से कराते हैं तब हमारा बोरेन मिल जाता है, तब भी हमें बोरेन भैया मिल जाते हैं, साथ में एल आई एफ और एल एफ थ्री ये निकल जाएंगे, ठीक। तो एक रिएक्शन ये है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये आपको ये पूरी पूरी रिएक्शन नहीं रटनी है, क्योंकि रटने वाला पार्ट है, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे हम लोग बना सकते हैं। बी एफ थ्री लिया, एल आई एच फोर लिया, तो क्या बनेगा मेन कंपाउंड, ठीक। या बी एफ थ्री लिया और उसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड, किससे करा दी रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड, इसमें एन ए प्लस एच माइनस होता है, तो सोडियम हाइड्राइड बोलते हैं, एच निगेटिव को हाइड्राइड आयन बोलते हैं। इसको 180 डिग्री पे गर्म कर दो तो ये भैया टूट के कंबाइन करके क्या बना देते हैं, बी टू एच सिक्स बोरान हाइड्राइड बना देते हैं, ठीक। साथ में एनएफ हमारा बाई प्रोडक्ट निकल जाता है। तो एक मेथड हमारा ये हो गया कि बोरान फ्लोराइड रिएक्शन या तो करा दो आप एल आई एल एच फोर, ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होता है। पूरा नाम क्या होता है इसका, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, क्या बोलते हैं इसको, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो इससे बना सकते हैं, या बोरान फ्लोराइड की रिएक्शन करा दो एन ए एच यानी सोडियम हाइड्राइड से, तब भी हमें बोरान हाइड्राइड भैया यानी बी टू एच सिक्स हमें मिल जाएंगे, ठीक। उसके बाद अगला मेथड है एन ए बी एच फोर, इसको बोलते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड, क्या बोलते हैं बेटा, सोडियम बोरो हाइड्राइड, ठीक। ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, एल डी हाइड्रो कीटोन को रिड्यूस करने काम आते हैं। और एल आई एच फोर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो एल डी हाइड्रो कीटोन को तो रिड्यूस करते ही करते हैं, ये कार्बोक्लिक एसिड को भी अल्कोहल में रिड्यूस कर देते हैं, और भी कई जगह इनका रिड्यूसिंग एजेंट इस तरह इनको यूज किया जाता है, ठीक। तो ये एन ए बी एच फोर से रिएक्शन करते हैं हम लोग आई टू की, तो फिर हमें बोरेन भैया मिल जाते हैं, डाई बोरेन मिल गए हमें, ठीक। हमारा टारगेट क्या था, ये बोरेन भैया बनाना है। तो ये चार पाँच मेथड हैं आपके एन सी आर टी में, शायद एक ये वाला मेथड दिया है और एक ये वाला दिया है, ठीक, और दो तीन मेथड आपके एन सी आर टी में दिए हैं, तो देख लेना। मेडिकल वाले बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मेथड ज़रूरत नहीं है, आपके एन सी आर टी में आपको एक एल आई एच फोर वाला दिया है और एक आपका दिया एन एच वाला और एक ही वाला दिया, तीन मेथड दिए हैं, ठीक। तो यहाँ टोटल पाँच मेथड हमने आपको बता दिए बनाने की, ठीक। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, इनके लक्षण देख लेते हैं, क्या लक्षण इनके अच्छे लक्षण है कि बुरे लक्षण है, खैर जो भी लक्षण है देखते क्या लक्षण है। ये बोरेन भैया हमारे डाई बोरेन कलरलेस गैस बोलते हैं, ठीक। बंस ऑन एक्सपोजर टू एयर, अगर एयर में एक्सपोज कर दें तो ये जलने लगते हैं, बहुत रिएक्टिव होते हैं, बहुत ही गुस्सा वाले हैं, ठीक। उठा के एयर रख दो तुरंत जलना शुरू कर देंगे, और जलेंगे तो साथ साथ बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस करते हैं। देखो एक कितनी 1976 किलो जूल हीट पर मोल निकल रही है, एक्जोथर्मिक है। तो जलते हैं तो क्या बनाते हैं, बोरान एनहाइड्राइड, और साथ साथ बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत ज्वलनशील है पदार्थ है ये, ठीक। मतलब ऑक्सीजन रख दिया आपने तो तुरंत जलना शुरू कर देंगे, ठीक, बिना कुछ किए। उसके अलावा पानी में अगर डालें इनको, वाटर से रिएक्शन कराएं, तो हाइड्रोलाइज करके ये बोरिक एसिड बना देते हैं H3BO3, और साथ साथ ये हाइड्रोजन गैस भी रिलीज करते हैं, ठीक। तो ये रिएक्शन हमारी बोरिक एसिड बनाने में यूज कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि बोरान का कोई कंपाउंड ले लें, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दें तो बोरिक एसिड बन जाता है, जैसे हमने बी एफ थ्री वाला एग्जांपल लिया था। वैसे यहाँ बी टू एच सिक्स को भी अगर पानी से रिएक्शन करा दो, यानी इनको पानी से नहला दो, तो ये बोरिक एसिड दे देते हैं, ठीक। उसके अलावा विद एल आई एच लिथियम हाइड्राइड, एल आई एच भैया क्या बोलते हैं इनको, बोलते हैं लिथियम हाइड्राइड, एल आई प्लस एच निगेटिव, या सोडियम से रिएक्शन कराते हैं हम लोग, तो बी टू एच सिक्स और एल आई एच से कराते हैं तो क्या बनता है, एल आई बी एच फोर, क्या बोलेंगे, लिथियम बोरोहाइड्राइड, एल आई बी एच फोर, क्या बोलेंगे इनको भैया को, ये हमारे भैया दद्दा जो हैं इनका नाम है लिथियम बोरोहाइड्राइड, ठीक। इसी तरीके से बी टू एच सिक्स रिएक्शन सोडियम से करा दो तो ये एन ए बी एच फोर बना देते हैं, साथ में एन ए बी एच बी थ्री एच एट भी थोड़ा बहुत बनता है, ठीक। तो मेन कंपाउंड हमारा ये बन गया। तो ये दोनों भैया हमारे जो है ना, ये भैया लोग हमारे बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, अभी पीछे आ ही चुके हैं इनके नाम, ठीक। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको हम लोग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं, बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं दोनों लोग, ठीक। उसके अलावा किसी लुईस एसिड से रिएक्शन कराएं, देखो बोरान के जो हाइड्राइड भैया है ना, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कमी का है क्योंकि बोरान के आउटर मोस्ट सेल में तीनों इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो हम समझा रहे हैं आपको, जैसे BH3 जब बनता है
तो बोरान भैया के आउटर मोस्ट सेल में तीन ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये तीन इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीन इलेक्ट्रॉन इन्होंने हाइड्रोजन साथ शेयर कर लिए, मान लो ये तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के आ गए, उनके साथ शेयर कर लिए और ये बी एस थ्री बना दिए। ठीक, तो बी एस थ्री ही बनता है, बाद में डाइमिलाइज करके बी टू एच सिक्स बना देता है। ठीक है, अब क्या होता है, इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बोरान हुए है, गिनो, दो दो चार दो छः, छः ही इलेक्ट्रॉन हुए। यानी जो बी एस थ्री भैया है ना, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं है, तो ये लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता इनके अंदर है, और जो लोग इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है, ठीक, तो वो लोग लुइस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, और जो देने की क्षमता होती है वो लुइस बेस। तो अगर किसी लुइस बेस से रिएक्शन करा दे, जैसे हमने लिखा एन एम ई थ्री, ये एन एम ई थ्री क्या बोला है, देखो एक्चुअली क्या होता है, एन एस थ्री है, एन एस थ्री में अगर तीनों हाइड्रोजन हटा के आप तीन मिथाइल लगा दो, तो मिथाइल को एमी बोला गया, तो ये बन गया, एक्चुअली क्या है, ट्राई मिथाइल अमीन है। क्या है बेटा, ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक, तो ट्राई मिथाइल अमीन है। अब इनके पास भैया लोन पेयर होता है, अब ये हमारे बी टू एच सिक्स भैया है, तो जब भी इनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करते हैं, इनको तोड़ देते हैं, इनके जो बी टू एच सिक्स, जो दो लोग ऐसे जुड़े हुए थे, ये दो लोग आपस में गले मिले थे, इनको दोनों को तोड़ के अलग अलग कर देते हैं। ठीक, ये तोड़ देंगे इनको, और तोड़ने के बाद जो अपना लोन पेयर है वो इस लोन पेयर बोरान के ऊपर रख देंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, ये हमारे हो गए भैया एम ई थ्री एन, ठीक, ये ठीक, और ये हमारे बी एस थ्री भैया हो गए, तो बी टू एस सिक्स से वो टूट गए बी एस थ्री में, और इन्होंने अपना लोन पेयर जो था, जो लोन पेयर इनके पास है, वो लोन पेयर इसको दे दिया, इनके साथ बांड बना लिया। ठीक, तो दो मालिक्यूल हम लोग लिख सकते हैं, ये बन गया, ये एडक्ट बन गया, वही लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो बांड है। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हो या इस तरीके से, एम ई थ्री, ठीक, ऐसे। तो ये जो बांड बना भैया, ये कोऑर्डिनेट बांड होता है, क्योंकि लोन पेयर से बांड बना है, तो यहाँ बोरान को, बोरान भैया का एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला किससे, नाइट्रोजन भैया से। ठीक, तो इन बोरान भैया के ऊपर कैसे तो चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक, इन बोरान भैया पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नाइट्रोजन पे आप प्लस चार्ज लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेट बांड को ऐसे दिखाते हैं हम लोग। ठीक, तो ये एडक्ट बन गया, साल्ट बन गया, ऐसे सेम कंडीशन इनकी, इनके साथ है, जब ये रिएक्शन कराते हैं हम लोग इसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब कार्बन मोनोऑक्साइड भी भैया हमारे लुइस बेस होते हैं। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड में आपको पता होना चाहिए बेटा कि कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। देखो, कार्बन के ऊपर नॉर्मली लोन पेयर नहीं होता है, लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन के ऊपर लोन पेयर होता है, तो यहाँ पर भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड भैया है हमारे, ये बी एस थ्री, जैसे हमारे हो गए ये कार्बन मोनोऑक्साइड, उल्टा करके लिख रहा हूँ, अब ये बी एस थ्री भैया हो गए, ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देंगे, तो दो मालिक्यूल इसके बन जाएंगे। ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा उल्टा करके हमने, तो यहाँ पर इनके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ठीक, और यहाँ पर कार्बन, अच्छा इन्होंने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट बांड बना रखा है यहाँ पर। ठीक, तो ये अब इनका जो लोन पेयर था उसने इनके साथ कोऑर्डिनेट बांड बना लिया, तो ये चीज़ होती है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये एडक्ट बना आपका, ये इसे बोलते हैं लोग एडक्ट। तो लुइस बेस के साथ ये लोग एडक्ट बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास आउटर मोस्ट सेल में ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, तो अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये लुइस बेस के साथ एडक्ट बना लेते हैं। ठीक, तो याद रखेंगे। ठीक है, तो चलो इसके बाद इसकी अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, अगला गुण देखते हैं इनका हम। इसके बाद बेटा इनकी रिएक्शन हम लोग एन एस थ्री से कराते हैं, अमोनिया से। देखो, बोरान हाइड्राइड बी टू एच सिक्स भैया की जब रिएक्शन अमोनिया से होती है, तो ये पहले ये कंपाउंड बनाते हैं ऐसे। ठीक, और ये कंपाउंड एक्चुअली हमारा इस फॉर्म होता है, ये आयनिक होता है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, बी एच टू एन एस थ्री का होल ट्वाइस, इसके ऊपर प्लस चार्ज और बी एच फोर माइनस, तो इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर ऐसे होती है, आयनिक फॉर्म होते हैं। इनको फर्दर अगर हीट कर दें तो ये ये बना देते हैं इनको, ये जो भैया बने ना, इनको हम लोग बोलते हैं बोराजीन, ये जो बने इनको हम लोग बोराजीन, या इनको हम लोग इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं, अभी बताएंगे आपको। ठीक, तो देखो यहाँ रिएक्शन हमने लिखी, बी टू एच सिक्स हमने अमोनिया के साथ पास किया। ठीक, एक्सेज अमोनिया लेते हैं हम लोग यहाँ पर, एक्सेज अमोनिया लेते हैं, तो ये हमारे बनते हैं ये बनते हैं इंटरमीडिएट, या इनको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक,
अब इनको तुम हीट कर दो, इनको हीट कर दो, देखो ये हीट किया तो ये डायरेक्ट क्या बना देंगे, बोराजीन। ये कौन बन गए भैया, ये भैया हमारे बन गए बोराजीन। इनको नाम क्या है, इनको नाम है बोराजीन, या इन्हीं का दूसरा नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनको बोला जाता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक। तो अभी इनऑर्गेनिक बेंजीन क्यों बोलते हैं, इसके इसका कारण हम अभी आपको बताएंगे, ठीक। तो एक तरीका यह है कि ये जो बने भैया अमोनिया पास करने के बाद उनको हीट कर दो तो आपको बोराजीन मिल जाएगा, ठीक। या दूसरा तरीका ये है कि जो कम ये बने इनमें फिर एक्सेस अमोनिया पास करो, हाई टेम्परेचर पर करो, ठीक। तो यहाँ पे आपको बोरान नाइट्राइड पॉलीमेरिक एक्स लिखा हुआ, एक्स मतलब नंबर यहाँ पर फिक्स नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर बोरान नाइट्राइड बनेगा, इनको क्या बोलेंगे, बोरान नाइट्राइड। यहाँ पे एन पे थ्री चार्ज होगा माइनस का और बी पे प्लस का थ्री, ठीक। तो ये बोरान नाइट्राइड बनेंगे और बोरान नाइट्राइड में फिर एन एस थ्री पास करते हैं हम लोग, और एन एस थ्री किस रेशियो में, एन एस थ्री और बी टू एच सिक्स, ये हम लोग पास करते हैं 2:1 के रेशियो में, तो भी हमको इनऑर्गेनिक बेंजीन यानी बोराजीन मिल जाता है, ठीक। तो बोराजीन बनाने के दो तरीका हो गए, एक तो हमने इसमें एन एस थ्री पास किया और ये बन गए, और इनको आपने हीट कर दिया तो बन गए, ठीक। या ये जो बने हैं इनमें फिर एन एस थ्री पास करो, ये जो कंपाउंड बना है इसमें फिर एन एस थ्री पास करो, फिर उसके बाद तो ये बनेगा बोरान नाइट्राइड, और बोरान नाइट्राइड में फिर अमोनिया और बोरान डाइबोरेन को 2:1 के रेशियो में मिलाओ तो भी आपकी इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगी, ठीक। तो मतलब मैं इसको मैं अलग से भी लिख दे रहा हूँ, मतलब क्या क्या, देखो दो रास्ते हैं, दोनों का हम अलग अलग लिख देते हैं। जैसे आपने कन्फ्यूज ना हो आप लोग, इसलिए उसको अलग अलग बता देते हैं। इनमें आपने एक्सेज एन एस थ्री पास की, ठीक, तो क्या बन गया, बी एन का होल एक्स, ये बोरान नाइट्राइड बन गया। अब बोरान नाइट्राइड में क्या किया तुमने, बोरान नाइट्राइड में आपने पास किया एन एस थ्री और बी एस थ्री प्लस बी टू एच सिक्स, इनको मिलाया 2:1 के रेशियो में, तब भी तब आपको बी थ्री एन थ्री एच सिक्स, ये मिल गया बोराजीन। या दूसरा तरीका है कि ये जो बने इनको डायरेक्ट हीट कर दो तो भी बोराजीन बन जाएंगे, तो भी बोराजीन भैया हमारे बन जाएंगे। तो बोराजीन भैया जो हमारे बन रहे हैं, दो पहले तो स्टेप से हमें आगे से दो स्टेप अलग अलग हो सकती हैं, ठीक। एनसीईआरटी में आपकी ये वाली दे रखी, ये वाला नहीं दे रखा, तो आप ये वाला याद कर सकते हैं, ठीक। अब इनका स्ट्रक्चर देखें, ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनका, हेक्सागोनल देखो, ठीक। अल्टरनेट इसमें नाइट्रोजन बोरान लगे होते हैं, हेक्सागोनल रिंग है। अब क्या होता है, इनके नाइट्रोजन भैया के पास क्या होता है, लोन पेयर, सबके पास लोन पेयर है ना, इनकी खोपड़ी ऊपर एक लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर, इनके पास भी है लोन पेयर, इनके पास भी लोन पेयर है, ठीक। ये अपना लोन पेयर यहाँ भाई नाइट्रोजन भैया जरूरत पड़ने पर लोन पेयर से बांध बना लेते हैं। अब इनको इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इनके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इनको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन भैया अपना लोन पेयर यहाँ पे देके एक कोऑर्डिनेट बांध बना लेते हैं। ये वाले नाइट्रोजन भैया इधर लोन पेयर देंगे अपना, ये वाले इधर देते हैं, ठीक। तो क्या स्थिति बनती है, ये ऐसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, देखो ये हमारे हो गए नाइट्रोजन भैया, एच लगा हुआ इनके पास, और ये हमारे हो गए बोरान, बोरान भैया, उसके बाद नाइट्रोजन, फिर बोरान, नाइट्रोजन, बोरान, ठीक। अब सब पे एक एक हाइड्रोजन लगा लो, क्योंकि नाइट्रोजन की भी वैलेंसी 3 होती है और बोरान भैया की वैलेंसी तो 3 होते ही होते हैं, ये हो गया, ठीक। अब डबल बॉन्ड देखो, कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड बना लें अगर हम लोग, तो डबल बॉन्ड हमारे कहाँ कहाँ आ गया भैया, एक तो डबल बॉन्ड हमारा यहाँ आ गया, ठीक, अलग कलर से बना देते हैं, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, और कहाँ गया डबल बॉन्ड हमारा, यहाँ आ गया, और कहाँ गया हमारा, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, ठीक। तो देखो जरा बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर देखो, ऐसे बेंजीन स्ट्रक्चर होता है, सी एच सी 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 सी, एच सब पे एक एक एच होता है ऐसे ऐसे, और अल्टरनेट से डबल बॉन्ड होते हैं, तो इनको इनको स्ट्रक्चर जरा कंपेयर करो, ठीक। जैसे हमने ऐसे बॉन्ड बनाया तो ऐसे बना लो, इसी तरीके से बना लो ऐसे, ये ऐसे, तो दोनों की स्ट्रक्चर देखो, दोनों का चेहरा मिलता जुलता दिख रहा है, अंतर क्या है, इनमें हर जगह कार्बन हाइड्रोजन, इसमें बोरान और नाइट्रोजन आ गए, ठीक। अच्छा नाइट्रोजन अपना लोन पे दे दिया तो नाइट्रोजन भैया के ऊपर प्लस चार्ज आ गया,
इनके भाई साहब ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि अपने लोन पे डोनेट किया, और बोरान भैया पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि बोरान ने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बोरान भैया पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आप नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो ठीक, क्योंकि क्वाड्रिनेट बॉन्ड बना, और क्वाड्रिनेट बॉन्ड को हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बिल्कुल बेंजीन के जैसा दिख रहा है, इसको आप चाहें तो इसका हाइब्रिड बना सकते हैं, ये बिल्कुल बेंजीन की तरह ही बनता है ठीक, इसका आप हाइब्रिड बना सकते हैं, मतलब इसके अंदर गोला बना दें आप ऐसे बना सकते हैं कि बोरान नाइट्रोजन से हमने शुरू किया, तो चाहे बोरान पहले लो चाहे नाइट्रोजन कोई फर्क नहीं पड़ता, बोरान नाइट्रोजन बोरान बोरान नाइट्रोजन बोरान सब पे एक एच लगा दो। अब ये डबल बॉन्ड जो है ना, ये डबल बॉन्ड इनके अंदर चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ऐसे एक सर्कल बना देते हैं जैसे बेंजीन बनाते हैं ठीक, तो इनके अंदर एक एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है ठीक। अब एरोमेटिक करेक्टर क्या होता है, ये आपने बेंजीन में पढ़ा ही होगा ठीक, ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, तो इनके अंदर भैया एरोमेटिक करेक्टर आ जाता है, ये एरोमेटिक बन जाते हैं, इसीलिए इनको नाम क्या पड़ेगा, इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो याद रखेंगे इनका नाम इनऑर्गेनिक बेंजीन, इनको भैया का नाम है इनऑर्गेनिक बेंजीन, तो ये भाई साहब हमारे बन जाते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन साहब ठीक। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखेंगे ठीक, तो ये इस तरीके से बन जाते हैं इनऑर्गेनिक बेंजीन। अब चलो डाइबोरेन की स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं ठीक, अब इनकी स्ट्रक्चर भी बहुत इंटरेस्टिंग है, देखते हैं जरा इनकी स्ट्रक्चर में क्या खास बात है ये। तो बेटा इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ B2H6, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर इनका, देखो ऐसे स्ट्रक्चर होता है NCERT में बना हुआ डायग्राम, इसमें बॉन्ड एंगल ये वाला 97 डिग्री, 120 डिग्री, बॉन्ड लेंथ बराबर दे रखी है, लेकिन बॉन्ड लेंथ आपसे नहीं पूछेगा ठीक। अब इसमें सबसे मज़ेदार बात जो है, देखो इनमें ये तीन हाइड्रोजन ऐसे जुड़े हुए हैं, ये देखो ऐसे देखो इधर इतना, ये BH3 एक मॉलिक्यूल हो गया और ये BH3 का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया ठीक। अच्छा बोरान के सबसे बाहरी सेल में एक पी ऑर्बिटल खाली होता है, ये sp3 sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है इनका, अब ये पी ऑर्बिटल बोरान का वो वाला पी ऑर्बिटल है जो कि खाली था ठीक, अब ये खाली है, इनके पास भी ये वाले बोरान के पास भी एक पी ऑर्बिटल खाली है, तो ये वाले जो हाइड्रोजन भैया है ना ये क्या करते हैं, ये दोनों के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं ऐसे ऐसे ठीक, और ये इधर भी ये ऐसे ओवरलैपिंग कर लेते हैं ऐसे, तो ये वाले जो हाइड्रोजन भैया हैं जो बोरान इनके साथ करे, तो इनको जो पी ऑर्बिटल खाली है उसके साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, एक अजब तरीके का बॉन्ड बन गया, गजब अजब तरीके का बन गया ठीक, ऐसा बॉन्ड और कहीं नहीं पाया जाता है ठीक। तो इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना इस बॉन्ड में तीन सेंटर हो गए, तीन सेंटर मतलब बोरान भैया और हाइड्रोजन भैया और ये वाले बोरान भैया, तीन सेंटर हो गए, इलेक्ट्रॉन दो ही इन्वॉल्व हुई है इसमें, एक बोरान भैया को एक हाइड्रोजन भैया, नीचे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी हमने बनाया अभी समझा देंगे ठीक। तो ये जो बॉन्ड बना ये वाला, इस वाले बॉन्ड को बेटा क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बॉन्ड, इसको ऐसे बना के दिखाते हैं, देखो ये एक सेंटर दो सेंटर तीसरा, और इलेक्ट्रॉन दो ही है। नॉर्मली क्या होता है जब एक बांड बनता है, जैसे एच और सीएल बांड बना लो, तो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं और दो ही सेंटर होते हैं, एक बांड दो सेंटर के बीच बनता है, दो एटम के बीच बनता है, यहाँ पर एक बांड तीन एटम के बीच बन रहा है, इलेक्ट्रॉन दो ही लग रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग टू इलेक्ट्रॉन थ्री सेंटर बांड बोलते हैं, और इसको हम लोग इसका एक स्पेसिफिक नाम दिया गया, इनको बनाना बांड बोलते हैं, तो बनाना तो बहुत खाया होगा आप लोगों ने, तो इनको हम लोग बनाना बांड बोलते हैं। अब बनाना बांड क्यों बोलते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, तो इसका कारण तो खैर कुछ भी कारण हो सकता है, जिनने दिया वो बनाना बहुत खाते हों वो वाले वैज्ञानिक, इसीलिए इसका नाम बनाना बांड रख दिया हो ठीक। तो चलो बनाना बांड जो हो गया ठीक, अब इनका इलेक्ट्रॉन, तो बेटा ये बनाना बांड याद रखना, तो ये हो गया हमारा इनका बनाना बांड ठीक, बहुत बनाना खाए इनने, फिर इनको नाम रख दिया बनाना बांड ठीक, थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन। अब इनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर संबंध देखो, जैसे ये बोरान भैया हैं, तीन इलेक्ट्रॉन बना दिए हमने बोरान भैया के ठीक, ये तीन इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन काले वाले बोरान के और लाल वाले जो इलेक्ट्रॉन ये किसके, हाइड्रोजन के। अब ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इन्हें शेयर कर लिया, एक बॉन्ड ये बन गया हमारा, एक बॉन्ड ये बन गया, दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर, एक सेंटर ये हाइड्रोजन भैया
एक सेंटर हमारे हाइड्रोजन भैया, एक सेंटर बोरान भैया, तो दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर, एक दो सेंटर, ठीक, ये दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर, ठीक, यहाँ पर भी ये बोरान भैया ये हाइड्रोजन भैया दो इलेक्ट्रॉन दो सेंटर, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के बोरान को, तो दो सेंटर दो इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब यहाँ पर देखो इनकी बात करें तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन किसको, हाइड्रोजन भैया को, अब ये इलेक्ट्रॉन किसको, इन वाले बोरान भैया को, अब ये लोग आपस में मिलकर इसे बांड बना ले, ओवरलैपिंग कर लेते पूरी ऐसे, ठीक। देखो दो इलेक्ट्रॉन है और सेंटर कितने हो गए, तीन, एक दो तीन, जबकि ये वाले बांड में देखो दो सेंटर हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो। तो नॉर्मली दो इलेक्ट्रॉन और दो सेंटर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन दो ही हैं और सेंटर एक दो तीन, कौन कौन सेंटर, बोरान भैया, हाइड्रोजन भैया और ये वाले बोरान भैया। ऐसे ऊपर वाले देखो इनके पास भी तीन, दो इलेक्ट्रॉन तीन सेंटर हैं ये, ठीक, ये दो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इन वाले बोरान भैया को, ठीक, और ये वाला इलेक्ट्रॉन हमारे ये बोरान भैया को, तो सॉरी हाइड्रोजन भैया को इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इन्होंने भी ओवरलैपिंग कर ली तो इनके पास ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन और तीन सेंटर, तो यही वाले दोनों बांड हो गए। तो इन्हीं को बोलते हम लोग बनाना बांड, ठीक, केला बांड है ना। तो इस तरीके से डाइबोरेन का स्ट्रक्चर हो गया, बात समझ में आ गई भैया, ठीक। तो बेटा इस चैप्टर को, इसको रिवाइज कर लेना। अब ये ग्रुप 13 का आपका जो बोरान फैमिली है, ठीक, पी ब्लॉक की जो बोरान फैमिली है, यानी ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 13, ये आपका कंप्लीट हो गया। एक लेक्चर हम पहले ले चुके थे, एक लेक्चर ये हो गया, ठीक। तो ये आपका ये वाला चैप्टर, ये वाला मतलब ग्रुप कंप्लीट हो गया। अगले ग्रुप लेक्चर में हम लोग ग्रुप 14 यानी ग्रुप 14 यानी कार्बन फैमिली को हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। तो इसको आप रिवाइज करना बेटा, और दो चार कमेंट वमेंट मार दिया करो, तुम लोग तो इतनी मेहनत से हम वीडियो बनाते हैं, तुम लोग कमेंट करने में और लाइक करने में भी शर्म आती है। अरे बेटा, अरे लाइक ना करो, डिसलाइक ही कर दिया करो कम से कम, भल तारीफ ना करो तो बुरा ही कर दिया करो, कुछ भी लिख दिया करो गुरुजी के लिए, गुरुजी को पढ़ाने नहीं आता, पता नहीं क्या अनशन रखते रहते हैं, कुछ भी आप बोल दिया करो हमारे लिए, तो कुछ तो हमें कम्प्लीमेंट दे दिया करो, ठीक है। तो चलो बेटा, उम्मीद करते हैं कि आप हम लोग इसको वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, और लाइक करें ना लाइक करें वो आपकी मर्ज़ी है, आप डिसलाइक ही कर दें तब भी कोई बात नहीं, ठीक। और कमेंट ज़रूर दो चार मार दिया करो, थोड़ा हमको भी जोश आ जाता है कि और वीडियो बनाएं। और जब तुमने कमेंट नहीं मारते तो मतलब कि कहाँ करें मेहनत, सारी मेहनत तो पानी फिरो जा रहो, तो कुछ तो दो चार कमेंट मार ही दिया करो, ठीक। चलो अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है।